नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी गर्मी में यानी बहुत डिमांड रहती है, यानी गर्मी में इसको सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं खीरे की खेती के बारे में। किसान भाइयों, खीरे की खेती के बारे में हम A to Z बात करेंगे। यहाँ पर हम सारी बातें बताएंगे, किस समय बोया जाता है, बीज की कितनी मात्रा है, किस तरीके से हमें खेती करनी चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, हम A to Z बात करेंगे। तो इस किसान भाई, इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाई से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाई, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है तो इसको पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो किसान भाई, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसान भाई, बात है खीरे की खेती की, तो सबसे पहले बात आती है कि किस समय खीरे की खेती हमें करनी चाहिए। तो किसान भाई, फरवरी का महीना जाने को है और मार्च शुरुआत हो ही गई है, तो हम इसको फरवरी के महीने में यानी आज कल में ही लगा सकते हैं और साथ में मार्च के महीने में भी हम इसको लगा सकते हैं। जायद की फसल के अंतर्गत आता है, तो किसान भाई बहुत सही समय है, ये समय निकलना निकलने ना पाए जल्दी से। अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है खीरे की खेती करने के लिए। अब बात करते हैं किसान भाई जलवायु और मिट्टी की। तो खीरे की खेती के लिए जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जल निकासी आसानी से हो सके। किसान भाइयों, जो सॉइल यानी मृदा है उसका पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच में होगा तो ज्यादा बेटर है। तो ये तो बात रही मिट्टी की। किसान भाइयों, बात करते हैं तीसरे बात खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, जैसे हम चाहते हैं कि अगर खीरे की खेती करनी है तो अब समय हमें तुरंत ही करना पड़ेगा, तो खेत की तैयारी से पहले अगर हम उसमें 20 से 25 टन जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो डाल दें, और साथ में उसमें उसके बाद उसमें क्या करना है, हमें 2 से 3 गहरी जुताई करनी है देसी हल के साथ में। उसके बाद उसमें पाटा लगाकर अपने खेत को भुरभुरा और समतल करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जैसे खेत की हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए तो किसान भाई, बात आती है कि हमें सीड कौन सा लेना चाहिए। तो जब तक हम अपना सीड अच्छा न लेंगे तो कितनी हम मेहनत करें सही उत्पादन हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बात आती है उत्पादन की, तो हमें सही बीज के चुनाव बहुत जरूरी है। तो किसान भाई, बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, देसी किस्में भी हैं और हाइब्रिड किस्में भी हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको देसी करना है खीरा या फिर करना है हमें हाइब्रिड। हाइब्रिड किस्मों में जैसे कि पंत संकर खीरा एक है, प्रिया है या BNR का है, या बहुत से देसी खीरा आती हैं, उनमें से कोई एक अच्छी वेरायटी आपको चूज करके अपने खेत में लगानी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब बीज का चुनाव हो जाए तो बीज की कितनी मात्रा। तो 1 एकड़ के लिए हमें 1 किलोग्राम बीज काफी होगा। इसको क्या करना है, हमें उपचारित कर लेना है किसी अच्छे जैसे कप्तान वगैरह से। इसको अच्छे से उपचारित कर लेंगे तो जो जर्मिनेशन के समय जो दिक्कत होती है, सही से जो बीज है जर्मिनेट नहीं हो पाता है, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब किसान भाइयों, बीज की मात्रा की बात होगी, उसके बाद करते हैं बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई का तरीका के लिए जैसे ही हमारा खेत तैयार हो जाए तो कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर नालियां बना लेनी है हमें, क्योंकि ये बेल वाली फसल है। काफी समय जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, समय बेल वाली फसल है तो इसको फैलने के लिए काफी जगह चाहिए। तो हमें क्या करना है, 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे हमें नाली बनानी है। नाली बनाने के बाद कम से कम 1 1 मीटर के अंतर पर यानी जहां पे हमें लगाना है उस वहां पर 3 से 4 बीज को एक ही स्थान पर बुआई करेंगे। किसान भाई, दोबारा रिपीट कर दूं, ये बेल वाली फसल है, इतनी दूरी पे हम चोबेंगे तो काफी अच्छे से ये फैलेगी बाद में। जैसे कि यहाँ पे आप मचान पे देख रहे हो कि पूरा अच्छे से ये खीरे का खेत फैला हुआ है, तो हमें बुआई ऐसे करनी है। ठीक है किसान भाइयों, उसके बाद करते हैं आप सिंचाई की। तो किसान भाइयों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो जैसे ही हम सीड को अपने बुआई कर देते हैं उसके बाद हमें एक सिंचाई तुरंत ही कर देनी चाहिए। जैसे ही हमने सीड को लगाया तो सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक खेत में नमी नहीं होगी तब तक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो हमें एक सिंचाई कर देनी है। मौसम तापमान बढ़ चुका है, गर्म टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो उसके बाद एक सिंचाई के बाद कम से कम 4 से 5 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए, जब तक कि सीड जर्मिनेट अच्छे से ना हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है किसान भाइयों, जब सिंचाई हो जाए और जैसे ही हमारा 1 महीने होगा यानी 20 से 25 या 1 महीना हो जाएगा, तो ये बेल जो है खीरे की पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अब इसको हमें नीचे ही रहने देना है या मचान विधि से करना है। तो किसान भाइयों का खीरा देखिए आप कितना शानदार है, क्योंकि मचान विधि के द्वारा हमने खेती की है, तो खीरा साफ भी है, कोई क्योंकि मिट्टी इससे टच नहीं होती तो साफ भी रहता है,
और साथ में इसमें कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है और ज़्यादा रोग लगने की भी संभावना कम होती है और सीधा कीड़ा रहता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप मचान विधि के द्वारा ही इसको करें। बांस बल्लियों की सहायता से एक अच्छा सा मचान तैयार करके और जैसे ही 1 महीने की हमारी बेल हो जाए तो उसको हमें उस पर फैला देना है, क्योंकि अच्छा फल आएगा और साफ सुथरा फल आएगा। तो किसान भाई मचान विधि से आप इसकी खेती करें, उससे पहले निराई गुड़ाई पे ध्यान रहे। जैसे हमारी फसल जर्मिनेट हो जाए तो हल्की फुल्की निराई करते रहें जब तक कि बेल हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार ना हो। तो लगभग 2 से 3 निराई गुड़ाई आप कर दोगे तो हमारे खेत में बिल्कुल भी कोई भी खरपतवार नहीं होगा। तो निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक है किसान भाई। उसके बाद आते हैं हम तुरई, जो हमारा तुड़ाई होगी और उपज होगा। कितनी कब हो जाती है तुड़ाई? तो किसान भाई लगभग 50 से 60 दिन में ये हमारा खीरे का जो बेल है यानी पौधा है वो अच्छे से फल देना शुरू कर देता है। और लगभग अगर 1 हेक्टेयर अगर हम अपनी खीरे की खेती कर रहे हैं तो 50 से 60 कुंटल ये खीरा हम उत्पादित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर इस तरीके से अगर मचान विधि के द्वारा आप खीरे की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मार्केट में मंडी में बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो किसान भाई उसको जल्दी से जल्दी अपने खेतों में